खाने के ट्यूब का कैंसर हमारे कंट्री के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि एक पूरी तरह ठीक होने वाला कैंसर है, चाहिए बस सही गाइडेंस और सही इलाज। तो आज के वीडियो में खाने के ट्यूब का कैंसर के बारे में सारी जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, खाने के ट्यूब का कैंसर हमारी कंट्री का एक राइजिंग कैंसर है, यानी इसका इंसिडेंस ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, और रिसेंट शोधों में पाया गया है कि ये हमारे कंट्री के टॉप कैंसर में से एक है। खाने की ट्यूब एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो हमारे गले को हमारे पेट से कनेक्ट करती है, और इस ट्यूब का रास्ता खाना हमारा मुंह से जो खाया हुआ खाना है वो पेट तक जाता है। तो दोस्तों, इस ट्यूब में कैंसर एक फ्रीक्वेंट अकरेंस है, और इस कैंसर के बारे में हमें बड़े फ्रीक्वेंट क्वेश्चन और क्वेरीज आते रहते हैं, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी ओपीडी में हमें इस बीमारी के पेशेंट दिखते हैं। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे सवालों का आंसर देंगे, जैसे कि नंबर वन, खाने की ट्यूब का कैंसर किन पेशेंट्स में होता है, यानी इसके क्या कॉजेज या क्या कारण है। नंबर टू, कौन से सिम्टम से हमें शक करना चाहिए कि हमें खाने की ट्यूब का कैंसर हो सकता है। नंबर थ्री, खाने की ट्यूब के कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है, उसमें क्या टेस्ट किए जाते हैं। नंबर फोर, खाने की ट्यूब के कैंसर दो तरह के होते हैं, ये दो टाइप्स क्या है। नंबर फाइव, खाने की ट्यूब के कैंसर को क्या जड़ से इलाज कर सकते हैं, और इसका प्रोग्नोसिस क्या है। और नंबर सिक्स, खाने के ट्यूब के कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आइए एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि खाने के ट्यूब के कैंसर का रीजन या कॉज क्या है। तो दोस्तों, खाने के ट्यूब के कैंसर के मल्टीपल कॉजेज है, इनफैक्ट ये एक मल्टी फैक्टोरियल कैंसर है जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम ब्रीफली यदि इन कॉजेज को डिस्कस करें तो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है टोबैको, एंड नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है अल्कोहल। तो दोस्तों, टोबैको और अल्कोहल दो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मल्टीपल कार्सिनोजन बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, और देखा गया है कि इन टॉक्सिन से पेशेंट में कैंसर का रिस्क बढ़ता है, इंक्लूडिंग ईसोफेगस यानी खाने वाली ट्यूब का कैंसर। नंबर थ्री कॉज होता है पेशेंट के डाइटरी हैबिट्स। तो दोस्तों, डाइट में बहुत सारे कुछ स्पेशल डाइट्स होती है जिनमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स होते हैं जो ओवर टाइम खाने के पैसेज को डैमेज करते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिजर्व्ड मीट्स, फॉर एग्जांपल जो मीट फैक्ट्री में बनते हैं जैसे कि सलामी, बेकन, हैम इत्यादि, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए वेरियस केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ओवर टाइम एक्सेसिव एक्सपोजर से बॉडी में कैंसर कॉज करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस्ड मीट ऐसा आइटम है जिसको अपने डेली डाइट में कम से कम या ना यूज किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी यानी मोटापे में क्या होता है कि जो एसिड नॉर्मली पेट में होता है वो पेट के मोटापे की वजह से ऊपर ईसोफेगस का पुश होता है, जिसको हम हार्ट बर्न यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार पेट के एसिड के एक्सपोजर से ईसोफेगस के नॉर्मल से डैमेज हो जाते हैं और वह कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज वाई रिकरेंट GERD यानी पेट का पदार्थ मुंह के अंदर या गले के अंदर आना, या फिर मोटापा एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है ईसोफेगियल कैंसर का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ईसोफेगियल कैंसर का कुछ स्पेशल मेडिकल कंडीशन। कुछ पेशेंट जिनको कंडीशन जैसे एक्लेजिया, प्लमर विल्सन सिंड्रोम, टाइलोसिस इत्यादि होती है, ये स्पेशल ईसोफेगस की बीमारियां है जिससे ईसोफेगस कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये याद रखना चाहिए कि जस्ट बिकॉज किसी में रिस्क फैक्टर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ईसोफेगस कैंसर नहीं हो सकता, और ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे पूछते हैं वो पूछते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। तो दोस्तों, ईसोफेगस खाने की ट्यूब है, इसमें ज्यादातर लक्षण खाने की ट्यूब से रिलेटेड होते हैं, और मेन प्रॉब्लम जो ईसोफेगस कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं वो होता है खाना खाने में डिफिकल्टी, यानी खाना जब आदमी निकलता है तो उसको खाने के फंसे होने की फीलिंग आती है या खाने के दर्द की फीलिंग आती है जब आदमी खाना खाता है। कॉमनली देखा गया है कि ईसोफेगस कैंसर में आदमी को सॉलिड फूड से ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू लिक्विड फूड। तो जब आदमी सॉलिड खाना खाता है तो वो पेशेंट का नहीं उतरता, पर वो तरल पदार्थ खाता है तो वो आराम से उतर जाता है, और ये बड़ा ही टिपिकल एग्जांपल है ईसोफेगल कैंसर के सिम्टम का। उसके अलावा कई नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है जैसे पेट में बार बार गैस उठना, पेट पे गड़बड़ी, एसिडिटी की फीलिंग आना, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम्स है, पर कुछ पेशेंट्स में सिर्फ इन्हीं सिम्टम्स पे इस कैंसर का सस्पेशन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि पेशेंट को खाना खाने में डिफिकल्टी हो रही है, खाना तरने में कठिनाई हो रही है, या फिर वेट लॉस की कंप्लेंट के साथ पेट में गड़बड़ी की प्रॉब्लम है,
तो ऐसे पेशेंट को इमिजिएटली एक डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए ताकि उनके केस में ईसोफेजियल या स्टमक कैंसर रूल आउट किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस तरह के टेस्ट होते हैं इस कैंसर में। तो दोस्तों हमारे पास जब कोई पेशेंट इस तरह के सिम्टम लेके आता है तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी से हमारा तात्पर्य ये है कि हम पेशेंट के मुंह से एक ट्यूब डालते हैं जिसकी टिप आप खाने की ट्यूब, गला, पेट और ड्यूओडेनम यानी पेट के अगले हिस्से तक जाती है और उस पर कैमरा लगा होता है जिससे हम सारे एरिया को अच्छी तरह देख सकते हैं। और यदि पेशेंट के गले से लेके ड्यूओडेनम तक कोई भी डिजीज या कैंसर का डाउट है तो वो क्लियरली दिख जाता है और उसी सेम सेटिंग में ही उसका एक सैंपल यानी बायोप्सी भी एंडोस्कोपी करने वाला डॉक्टर ले सकता है। तो किसी भी पेशेंट को यदि इस तरह के कैंसर के सिम्टम्स हो तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एंडोस्कोपी। यदि एंडोस्कोपी में इस कैंसर का डाउट होता है तो एडिशनल टेस्ट भी होते हैं जो कि हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरियम स्वलो, जिसमें पेशेंट को एक निगलने के लिए केमिकल दिया जाता है और फिर उसका एक्सरे करके हम देख सकते हैं कि खाने के ट्यूब की शेप क्या है। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जो सिलेक्टेड पेशेंट्स में किया जाता है देखने के लिए कि खाने की ट्यूब की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और पेट सीटी स्कैन जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है जो बॉडी में जहां जहां कैंसर है उसको क्लियरली लाइट की तरह शाइन करके बता देता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर पेशेंट को हर टेस्ट की जरूरत नहीं है और वेरियस पेशेंट में वेरियस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ईसोफेगियल कैंसर के मेन टाइप्स क्या है। तो दोस्तों ईसोफेगियल कैंसर के दो मेन टाइप्स होते हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं एडेनोकार्सिनोमा और एक टाइप को हम बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दो टाइप्स के बारे में हम समझे। तो दोस्तों स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मेनली ईसोफेगस के अपर और मिडल पार्ट में होने वाला कैंसर होता है और इस कैंसर का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ होता है। ये कैंसर की गौरतलब बात यह है कि ये कैंसर कंपैरेटिवली स्लोअर ग्रोइंग ट्यूमर होता है, कॉमनली अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है और डिस्टेंट ऑर्गन में स्लोली ही फैलता है। जो दूसरा कैंसर होता है उसको हम एडेनोकार्सिनोमा बोलते हैं। ये मेनली ईसोफेगस के लोअर पार्ट में होता है और इसका सबसे कॉमन कॉज होता है पेट के एसिड से ईसोफेगस को डैमेज होना जो कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेनी ईयर्स ईसोफेगस को कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। तो एडेनोकार्सिनोमा का इंसिडेंस जैसे जैसे दुनिया में मोटापे का इंसिडेंस बढ़ रहा है साथ में एडेनोकार्सिनोमा का इंसिडेंस भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और इस कैंसर की कई प्रॉपर्टीज होती है, ये मेनली लोअर पार्ट में होता है, ये ज्यादा फास्ट ग्रोइंग और अग्रेसिव कैंसर होता है और इसकी डिस्टेंट ऑर्गन जैसे कि लिवर, बोन, लंग या ब्रेन में फैलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा डेंजरस कैंसर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन दोनों कैंसर के ट्रीटमेंट में स्लाइट डिफरेंसेस है जैसे कि हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आप पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि क्या ये बीमारी को जड़ से इलाज कर सकते हैं। और मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर है, एक ये एक पूरी तरह से क्योरेबल बीमारी है स्पेशली अगर राइट स्टेज पर बीमारी को पकड़ा जाए और राइट ट्रीटमेंट इसका किया जाए। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कैंसर है, किस लोकेशन पे लोकेटेड है और किस तरह की डिजीज की ग्रोथ बायोलॉजी है, इन कैंसर्स को ठीक किया जा सकता है और जड़ से इलाज भी किया जा सकता है। तो राइट स्टेज पे इस कैंसर के ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सही स्टेज पे इस कैंसर की इमिजिएटली ट्रीटमेंट सही अप्रोच से की जाए। और फाइनली दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि ईसोफेगियल कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ईसोफेगस कैंसर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रीटमेंट दो मेन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ कहाँ है, यानी सिर्फ ईसोफेगस में तो किस पार्ट में है, अपर पार्ट में, मिडल पार्ट में, लोअर पार्ट में है, क्या ईसोफेगस का बियॉन्ड है, क्या लिम्फ नोड में है, क्या डिस्टेंट ऑर्गन में है, क्या लिवर में है, लंग में है। तो एक होता है लोकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसर किस टाइप का है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था क्या कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है या एडेनोकार्सिनोमा है। और कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम बायोमार्कर बोलते हैं जो ट्यूमर के टुकड़े पे किए जाते हैं जो हमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या दवाई काम करेगी और क्या दवाई नहीं काम करेगी। इस बेसिस पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं कि पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए। ज्यादातर पेशेंट्स को एक से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी जो मैं ट्रीटमेंट मोडलिटीज आगे डिस्कस करूंगा मेजोरिटी पेशेंट में सिर्फ एक मोडलिटी नहीं बल्कि मल्टीपल मोडलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रीफली मैं सारी मोडलिटीज के लिए डिस्कशन करूं तो मैं बताता हूं। फर्स्ट मोडलिटी इज सर्जरी। तो सर्जरी का मतलब दोस्तों सिंपल है कि ट्यूमर को हमने काट के बॉडी से निकाल दिया। मोस्टली ये लोकलाइज्ड कैंसर में यूज होता है, यानी वो कैंसर जो कि एक जगह पे लोकेटेड है। तो सर्जरी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेनली जो कैंसर मिडल और लोअर ईसोफेगस में है उनमें ही सर्जरी पॉसिबल होती है। अपर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस में कॉमनली सर्जरी नहीं होती और उसमें दूसरी मोडलिटीज यूज होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सर्जरी के अलावा दूसरी ट्रीटमेंट्स की भी जरूरत होती है ताकि बीमारी वापस ना आए।
नेक्स्ट मोडालिटी होती है दोस्तों रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी क्या होता है, एक मशीन होती है जो इनविजिबल बीम्स बॉडी के अंदर शूट करती है जिससे ट्यूमर जहां भी है उसका खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों रेडियोथेरेपी हर केस में नहीं यूज कर सकते, इसका ज्यादातर यूजेज जो इसोफेगस में होता है या तो उन कैंसर में होता है जो एक ही जगह पर लोकेटेड है पर जिनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, या फिर उन पेशेंट में होता है जिनका ट्यूमर लोकली एरिया में थोड़ा स्प्रेड है ताकि ट्यूमर को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि उसका फर्दर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो रेडिएशन का एक न्यूएंस है, हर ट्यूमर में रेडिएशन यूज नहीं की जा सकती पर सही पेशेंट में यदि यूज की जाए तो इसका इंपैक्ट काफी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो हम इसमें यूज करते हैं उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी से हमारा मतलब है कुछ ड्रग्स जो कैंसर सेल को अटैक करके उसको किल करते हैं। तो कीमोथेरेपी एक पुराना तरीका है कैंसर के इलाज का जो धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, परंतु इसोफेगस कैंसर में दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कीमोथेरेपी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटिवली कीमो सेंसिटिव ट्यूमर होता है। तो यदि हालांकि हर पेशेंट में कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती, जिन पेशेंट्स में इसका यूज किया जाता है कॉमनली इसका गोल ये होता है कि बीमारी को अच्छी तरह श्रिंक करके उसको कंट्रोल किया जाए। कीमोथेरेपी की अपनी लिमिटेशंस है, मेनली कीमोथेरेपी के दो इश्यूज होते हैं, एक कीमोथेरेपी से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट अवॉइड करना प्रेफर करते हैं, दूसरा कीमोथेरेपी बाय इटसेल्फ का इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। इसका रीजन ये है कि कीमोथेरेपी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ट्यूमर को कम कर सकती है पर जड़ से इलाज नहीं कर सकती, इसीलिए इसोफेगल कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी से यूजली जड़ से इलाज नहीं होता और इसमें अदर टेक्नोलॉजी का यूज होता है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों इम्यूनोथेरेपी कुछ स्पेशल तरह के ट्रीटमेंट्स और दवाइयां है जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को अलाउ करती है कि वो जाकर ट्यूमर को मारे। बॉडी में यदि कोई ट्यूमर पनप रहा है तो वो इसलिए पनप रहा है कि वो इम्यून सिस्टम से खुद से बचा चुका है और इम्यून सिस्टम उसको पहचान के मार नहीं पा रहा है। तो इम्यूनोथेरेपी कुछ टेक्नोलॉजीज है, कुछ दवाइयां है जो इम्यून सिस्टम को कैपेबल बनाती है कि ट्यूमर को पहचान के उसको अटैक करके खत्म कर दे। इम्यूनोथेरेपी के बहुत बेनिफिट्स है, इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बीमारी को कई बार ये जड़ से भी खत्म कर सकती है और इसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। एट द मोमेंट इम्यूनोथेरेपी इसोफेगल कैंसर में न्यू टेक्नोलॉजी है पर इसका रोल इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ स्टेज 4 में यूज होती थी, आजकल स्टेज 2 स्टेज 3 में भी यूज हो रही है एंड ओवर टाइम डेफिनेटली इसका यूजेज मोर एंड मोर वेल डिफाइंड और मोर एंड मोर कैंसर में यूज किया जाएगा। और लास्ट टेक्नोलॉजी दोस्तों जो हम इसोफेगल कैंसर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो दोस्तों टारगेटेड थेरेपी का मतलब ये है कि उन जीन्स या उन डिफेक्ट्स पे मेडिसिन से अटैक करना जो नॉर्मल सेल में नहीं है और सिर्फ कैंसर सेल में है। तो जब नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है उसमें बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस आते हैं और यदि हम कोई ट्रीटमेंट से सिर्फ उन जेनेटिक चेंजेस को टारगेट करें तो चूंकि वो प्रॉब्लम नॉर्मल सेल में नहीं है इसलिए पेशेंट को काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है और ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। तो दोस्तों टारगेटेड थेरेपी हर पेशेंट में नहीं यूज की जा सकती परंतु कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें इसोफेगल कैंसर में टारगेटेड थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन पेशेंट्स को HER2 पॉजिटिव पेशेंट बोला जाता है। तो HER2 दोस्तों एक जीन है जो करीब 20-25% इसोफेगल कैंसर में डैमेज होता है और बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है जो इस HER2 जीन को टारगेट करके ट्यूमर को कंट्रोल कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए सप्रेस भी कर सकती है और बिना ज्यादा साइड इफेक्ट्स के। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिक पेशेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है विदाउट टू मेनी साइड इफेक्ट्स। तो दोस्तों ये जो मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटीज मैंने आपको बताई है इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि हर पेशेंट में हर मोडालिटी काम नहीं करती, कुछ में ए बी सी, कुछ में बी सी डी, कुछ में ए सी डी। तो यदि हम ए बी सी डी 5 ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हर पेशेंट में पांचों के पांचों नहीं लगती, कुछ में एक कॉम्बिनेशन लगता है, कुछ में दूसरा कॉम्बिनेशन लगता है, कुछ में तीसरा कॉम्बिनेशन लगता है। ये डिपेंड करता है बीमारी कहाँ कहाँ है और डिजीज का टाइप क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको इसोफेगल कैंसर है तो एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें जो कि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम विद लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स दे पाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो से यूजफुल जानकारी मिली और आपको इस कैंसर जिसके बारे में लोगों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन है कैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से लड़ते हैं, कैसे लेटेस्ट बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट से पेशेंट अपना सर्वाइवल बेस्ट पॉसिबल कर सकता है ये आपने जाना। दोस्तों हमारे चैनल का मिशन है कि इंडिया के हर कैंसर पेशेंट को वो कैंसर केयर मिले जो उसको वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल से मिल सकता है और हम चाहते हैं कि पेशेंट को इस नॉलेज से हम आर्म करें ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का बेस्ट पॉसिबल आउटकम पा सके। यदि इस मिशन में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही
दोस्तों यदि इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है जो मैंने आपका आंसर नहीं किया या जिसके बारे में आपको जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट से आप अपना सवाल मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का आपको जवाब मिले। तो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।